नमस्कार बच्चों, ये हमारे शारीरिक शिक्षा का जो दूसरा पार्ट चल रहा था उसका दूसरा भाग है संतुलित आहार। इससे पहले मैंने आपको इसमें लघुत्तरी प्रश्न करवा दिए थे सारे, तो इसमें अब दो लॉन्ग आंसर हैं, ये दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संतुलित आहार के पोषक तत्व कौन कौन से हैं, किन्हीं दो पोषक तत्वों को विस्तार से समझाइए करके, ठीक है। तो उनके आंसर जो है मैंने यहाँ पे हुए हैं, संतुलित आहार के पोषक तत्व तो आपको पता ही है, इससे पहले भी आपने काफ़ी जगह पढ़ रखा है कि छह पोषक तत्व होते हैं मेन करके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। तो दो के बारे में बताना है तो हमें वसा और प्रोटीन के बारे में हम यहाँ बता देते हैं। तो वसा शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन से प्राप्त होता है, दोनों भोजन से प्राप्त होता है। यह लंबे समय तक शक्ति प्रदान करता है। वसा जो होता है मक्खन, घी, बादाम, सूखे फल और तेल से प्राप्त होता है, ठीक है। और दूसरा हम प्रोटीन का यहाँ पे विस्तार कर लेते हैं। प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस आदि तत्वों से होता है। प्रोटीन पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त होता है। प्रोटीन शरीर में व्यय हुई शक्ति की पूर्ति करता है, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है इसका एक पहले क्वेश्चन को देख लिया। और सेकंड क्वेश्चन, प्रोटीन क्या है, हमारे शरीर के लिए इसका क्या महत्व, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, प्रोटीन क्या हमारे क्या महत्व जाएंगे, उत्तर दो प्रोटीन। तो प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस आदि तत्वों से होता है। प्रोटीन पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त होता है। प्रोटीन शरीर में व्यय हुई शक्ति की पूर्ति करता है, नई कोशिकाओं का निर्माण और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक करने का कार्य भी क्या करता है, प्रोटीन करता है। और इसके साथ साथ जो प्रोटीन हमें दूध, दही, अंडा, मछली, दाल, मटर, सेम, गाजर व हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम जो है अब इसके लॉन्ग आंसर हैं, इनके आंसर अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है।